महज 7 दिन के इलाज से बवासीर जैसी खतरनाक बीमारियों से आपको निजात मिल सकती है। जिन लोगों को ये बोला जाता है कि ऑपरेशन किया जाएगा उसके बाद ही बवासीर से आप मुक्ति पा सकते हैं, लेकिन हरियाणा के पानीपत में एक ऐसा अस्पताल है जो दावा करता है कि महज 7 दिन के भीतर भीतर आपकी जो बवासीर है, भगंदर है, फिशर है, वो ठीक हो जाएगी। आप देख सकते हैं कमल अस्पताल जो कि हरियाणा के पानीपत नेशनल हाईवे, आप ये देख सकते हैं ये नेशनल हाईवे है, आप यहाँ पर आ सकते हैं कमल अस्पताल में और अपना इलाज करवा सकते हैं। ख़ासतौर से ये वीडियो उन लोगों के लिए ज़रूरी है जिनको ये बोला जाता है कि बिना ऑपरेशन के बवासीर का इलाज संभव नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये दावा किया जाता है कि महज 7 दिन के भीतर भीतर आपका इलाज हो जाएगा, यानी कि बवासीर से आप मुक्ति पा सकोगे। तो क्लिनिक के अंदर चलते हैं और क्लिनिक के अंदर जाकर डॉक्टर से बात करना चाहेंगे कि आखिरकार किस प्रकार से, किस पद्धति द्वारा इलाज किया जाता है। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी अवश्य करें। तो क्लिनिक में हम लोग पहुंच चुके हैं और आपको दोबारा से जानकारी दे दें कि आपका जो खान पान है, अगर आपका खान पान ठीक नहीं रहता है तो बड़ी बड़ी बीमारियों की चपेट में आप लोग आ जाते हैं और उसी में एक बीमारी है बवासीर। और डॉक्टर कहीं ना कहीं उन लोगों को सलाह देते हैं आप ऑपरेशन करवाएं, बिना ऑपरेशन के आपकी बीमारी का इलाज संभव नहीं है। लेकिन यहाँ पर जब लोग आते हैं वो कहीं ना कहीं जब मेडिसिन लेते हैं, 7 दिन की दवा लेते हैं, 7 दिन की दवा लेने के बाद ऑपरेशन से उनको छुटकारा मिल सकता है। जी हाँ, ऐसा दावा किया जा रहा है। इस वक्त डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर साहब से बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, करनाल न्यूज़ 24 में आपका स्वागत। करनाल न्यूज़ 24 की तरफ से जितने भी दर्शक हम देख रहे हैं उन सभी को मेरा सादर नमस्कार। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे बवासीर को लेकर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बवासीर और फीसर मात्र 7 दिन में जड़ से खत्म, लाइफ टाइम की गारंटी के साथ अपना इलाज करवाए। ये आप कैसे दावा कर सकते हैं? कितने लोग आपने अभी तक ठीक किए? आप क्या ऐसी दवा देते हैं कि ऑपरेशन, जिन लोगों को डॉक्टर सलाह देते हैं कि ऑपरेशन के बिना जो है इलाज संभव नहीं है, बिना ऑपरेशन के आप कैसे वो चीज़ ठीक कर सकते हैं? पहली बात तो सर, मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, बवासीर हो, फीसर हो, बगंदर हो, किसी भी प्रकार की एलोपैथी दवाई हो, आयुर्वेदिक दवाई हो, होम्योपैथी दवाई हो, बवासीर, बगंदर, फीसर को ख़त्म नहीं कर सकती जी। इन सभी का जो सफल इलाज है वो सार सूत्र द्वारा ही सफल इलाज है। बवासीर, फीसर जो कि 7 दिन में जड़ से ख़त्म हो जाती है सार सूत्र द्वारा, और बगंदर का सार सूत्र विधि द्वारा सफल इलाज है। बगंदर में ट्रैक देखने के बाद ही पता चलता है कि फिस्टुला का ट्रैक कितना लंबा है, उसके बाद ही पता चलता है कि रोगी का बगंदर में कितना समय लगेगा ठीक होने में, कितना नहीं लगेगा। अच्छा, तो अब तक कितने रोगी आपके पास आ चुके? अब तक 20 से 25 हज़ार मरीजों का सफल इलाज कर चुके हैं सार सूत्र से। कितना समय लगता है इलाज में? पाइल्स हो, फीसर हो, 15 मिनट तो लगते हैं लैब टेस्टिंग वगैरह आने में, और आधा घंटा लगता है इलाज करने में, टोटल 1 घंटा ही मान के चलिए। कैसा इलाज होता है? आयुर्वेदिक पंथी सार सूत्र से बिना चीड़ फाड़ के। तो उसमें यहाँ पर मरीज को आधा घंटा देना पड़ता है आपके यहाँ पर? आधा 1 घंटा लगता है सर। आधा घंटा लगता है, उसके बाद क्या क्या चलता है? उसके बाद दवा चलती है? उसके बाद एंटीबायोटिक वगैरह, पेन किलर वगैरह, जो आयुर्वेदिक मेडिसिन वगैरह होते हैं वो देते हैं जी। कमल जी, एक बात हमें बताएं, लोग कहीं ना कहीं आजकल बवासीर की चपेट में आ चुके हैं, और ऐसे में क्या खान पान की वजह से ये सब बीमारियाँ जो हैं, इस वजह से जो है ये बीमारी आती है? पहले तो हमें पता ये करना पड़ेगा कि बवासीर, बगंदर, फीसर होती क्यों है। लंबे समय तक एक ही जगह पे बैठे रहना, लंबे समय तक पेट खराब रहना, खाना ना पचना, पहली बात तो आजकल का खाना पीना इतना अच्छा रहा ही नहीं है, हर बंदे को कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, और इसका जो मुख्य कारण है पाइल्स का, फीसर का, शरीर के अंदर खून का तेजी गति से चलना और नसों पर जाके टकराना और फिर नसों का फूल जाना, बेसिकली तो यही पाइल्स है। कहा जाता है कि जो लोग मोटापे के शिकार हो जाते हैं उनको भी पाइल्स हो जाती है। जी सर, बिल्कुल, ये बात सत्य है, ये बात सत्य है। क्या क्या आप अपील करना चाहेंगे लोगों से खान पान को लेकर? खान पान को लेकर मैं लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि खाना खाने के बाद एक तो लेटे ना और ना ही बैठे, कम से कम ज़्यादा नहीं 400 से 500 मीटर तक का चक्कर लगाए, गली में घूमें, एकदम ना लेटे, और खाना खाने के बाद पानी ना पिए, आधे घंटे या 40 मिनट के बाद पानी पिए।
देखिए दोस्तों, ये फिर दोबारा से हम आपको एक बात फिर दोबारा से रिपीट करना चाह रहे हैं, आपके खान पान से ही तमाम जो बीमारियां हैं वो कहीं ना कहीं आपके द्वार पहुंचती हैं। अगर आपका खान पान ठीक है तो फिर कोई ऐसी ताकत नहीं, कोई ऐसी बीमारी नहीं जो आपको छू सके। दोबारा से हम आपसे यही निवेदन करना चाहेंगे, भले ही आपके घर में छोटे बच्चे ही क्यों ना हो, उनको भी इन चीज़ों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। आप अपना खान पान पर विशेष ध्यान रखें। आजकल देखा जाता है गलियों में जो फास्ट फूड बिकता है, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, तो इन तमाम बातों को आप ध्यान में जरूर रखें। डॉक्टर साहब से फिर दोबारा से बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, महिलाओं को या फिर पुरुषों को ये बीमारी जो है घर कर जाती है, काफ़ी लंबे समय ये बीमारी रहती है। डॉक्टर कहते हैं कि ऑपरेशन होगा तभी ये बीमारी ठीक हो सकती है, क्या बिना ऑपरेशन के भी बीमारी ठीक हो जाती है? सर, बिना ऑपरेशन के इसका हम सफल इलाज करते हैं। 20 से 25 हज़ार मरीजों का हम सफल इलाज कर चुके हैं। हर दूसरे घर में बवासीर का पेशेंट है, हर दूसरे घर में बवासीर का पेशेंट है। कुछ मरीज हमारे पास आते हैं, बोलते हैं कि सर ऐसा क्या है आपके पास, कि साठ सूत्र में ऐसा क्या है जिससे मरीज 7 दिन में ठीक हो जाता है। फिर वो ठीक होने के बाद कहते हैं हाँ सर ये तो है, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, सार सूत्र एक आयुर्वेदिक थ्रेड है जो कि 28 दिन में तैयार होता है। इसके ऊपर सुई का दूध, अर्स, कुटार रस, ये सारी जड़ी बूटियाँ लगी रहती है। एक जड़ी बूटी एक ही दिन में लगती है, तो इसलिए 28 भावना का सार सूत्र 28 दिन में तैयार होता है। दूसरा सार सूत्र है जो ये सार सूत्र तैयार होता है 21 दिनों में। तो सर ये देखना पड़ता है कि मरीज को कौन सी ग्रेड की पाइल्स है। यदि बवासीर वैसे 4 ग्रेड की होती है, 1st ग्रेड 2nd 3rd और 4th। 1st 2nd में मस्सा बाहर नहीं निकलता, 3rd ग्रेड में मस्सा बाहर निकलता है और अपने आप ही ऊपर चला जाता है, 4th ग्रेड में मस्सा बाहर निकलेगा तो उंगली के साथ अंदर करना पड़ेगा। तो 1st ग्रेड 2nd ग्रेड में तो ये वाला 21 भावना का सार सूत्र है जो ये लाइगेशन करना पड़ता है, और 3rd और 4th ग्रेड में जो सार सूत्र लाइगेशन करना पड़ता है वो 28 भावना का सार सूत्र लाइगेशन करना पड़ता है। हाँ जी, तो ये सार सूत्र की पत्ती द्वारा जो है कहीं ना कहीं बवासीर से रिलैक्सेशन आपको जरूर मिलती है। कुछ जो मरीजों की जो तस्वीरें हैं वो आप हमें दिखाएंगे। ये विधि आज की विधि नहीं है, ये हमारे ऋषि मुनि आज से 5000 वर्ष पहले जो इस्तेमाल करते थे वो यही विधि यूज करते थे सर, पाइल्स वगैरह में। अच्छा, हाँ जी, ये तब से विधि चली आ रही है सर। अच्छा, इसलिए आयुर्वेद को हम बढ़ावा दे रहे हैं और आयुर्वेद को ही आगे बढ़ावा देंगे सर। देखिए, पहले इलाज आयुर्वेदिक पत्ती द्वारा किए जाते थे, लेकिन आज भी आयुर्वेदिक पत्ती द्वारा इलाज जरूर किए जाते हैं, और आप इनसे मिल सकते हैं, इनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, और फिर उसके बाद जो है अगर किसी को भी सलाह दी गई है कि आपका ऑपरेशन होगा उसके बाद ही पाइल्स ठीक होगा, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार कमल अस्पताल में आ सकते हैं जो कि हरियाणा के ही पानीपत नेशनल हाईवे पर स्थित है, आप यहाँ पर आ सकते हैं, इनसे मिल सकते हैं। डॉक्टर साहब, कितने लोग अब तक ठीक हो चुके हैं? 20 से 25 हज़ार मरीज अब तक सर बिल्कुल फिट हो चुके हैं। 20 से 25 हज़ार मरीज आपने ठीक कर दिए? बिल्कुल, और कुछ मरीज जो अपनी मर्जी से ही, बिल्कुल अपनी मर्जी से, जो मरीज हमारे पास गाजियाबाद से, नोएडा से, दिल्ली से, फरीदाबाद से, चंडीगढ़ से, यमुनानगर से, रोहतक से आए हुए हैं, उनके कम से कम 35 से 40 हमारे पास रिव्यू की वीडियो भी पड़ी है, जो कि उन्होंने ठीक होने के बाद खुद बोला कि सर हम अपना रिव्यू खुद देना चाहते हैं। अच्छा, रिव्यू भी हमारे पास। हाँ। और मैं आपको तस्वीर के माध्यम से भी दिखाना चाहता हूँ कि बेसिकली तो ये पाइल्स होती है। हाँ। पाइल्स के जो लक्षण हैं, हाँ, गुदा से खून आना, हाँ, गुदा में जलन होना, हाँ, गुदा से खुजली होना, हाँ, बेसिकली तो यही लक्षण है। अच्छा। ठीक है सर, और आपके चैनल के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ, बेसिकली ये पाइल्स है, हेमरॉइड्स 2nd हाई ग्रेड, ये 4th ग्रेड में पाइल मास है सर। हाँ जी, जो मरीज ये सोचता है कि मुझे फिस्टुला हो गया, जो दवाई खा के उसको सुखाने की कोशिश करता है, उसका जो बाद में नतीजा होता है, ये आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको दिखाना चाहता हूँ, ये जिनको नासूर बन गया है। अच्छा, ये नासूर बन गया है सर, देखिए। अच्छा। ये अंदर ही अंदर नासूर बन जाता है जी। ये फिस्टुला है सर। अच्छा। सिंपल फिस्टुला जो कि सार सूत्र द्वारा मात्र 21 दिन में हमने बिल्कुल फिट कर दिया। हर चौराहे पे डॉक्टर बैठे हैं, डॉक्टर सारे अच्छे होते हैं, जहाँ भी जाए सार सूत्र की पहचान करें और सार सूत्र से अपना इलाज कराए, क्योंकि सार सूत्र जो पत्ती है उसे आपको अपनाना चाहिए। डॉक्टर साहब से बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितने समय से आप जो है कहीं ना कहीं सेवाएं देते हुए नजर आ रहे हैं? हम काफ़ी समय से मरीजों की सेवा दे रहे हैं और काफ़ी मरीज जो है स्वस्थ भी हो चुके हैं। सार सूत्र के द्वारा हम इनका इलाज करते हैं, लाइगेशन करते हैं,
जो कि बीमारी को जड़ से ख़त्म कर देती हैं। कितने समय से आप इलाज कर रहे हैं? काफ़ी समय से, 40 साल से। ये पानीपत में ही या इसके अलावा? और इसके अलावा और बाहर दूसरी जगह से भी किया हमने। पानीपत के आसपास के जो क्षेत्र के जो लोग हैं वो तो कहीं ना कहीं फ़ायदा उठा लेंगे, आपके पास आ जाएंगे। अन्य क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो क्या वहाँ पर भी आपकी कोई ब्रांच? नहीं, अभी तक तो नहीं है, लेकिन आगे हमारा विचार है ब्रांच खोलने की। क्या शुभ नाम सर आपका? श्री रामकृष्ण। देखिए, रामकृष्ण जी हैं और पिछले कई सालों से इसी प्रकार से सेवाएं देते हुए जरूर नज़र आ रही हैं। तो जो भी लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी अवश्य करें। आपके घर के सदस्य को अगर इस बीमारी से ग्रसित है, उसको ये बीमारी है, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। कमल अस्पताल जो कि हरियाणा के ही पानीपत नेशनल हाईवे पर स्थित है, और फ़ोन नंबर हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। आर के शर्मा जी जिनसे अभी बात हुई है, उनका फोन नंबर है 9588740336। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और फिर दोबारा से बता दें कि शार सूत्र द्वारा इलाज करवाने से ही आपकी जो बीमारी है, ये देखिए 3 से 5 दिन में खत्म हो जाएगी, ऐसा दावा यहां पर जरूर किया जा रहा है डॉक्टर आर के शर्मा द्वारा। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपडेट आपको देते रहेंगे, बने रहिएगा करनाल न्यूज़ 24।